जय राधे। बिल्कुल निस्संदेह आप बड़ी श्रद्धा पूर्वक तुलसी माला पर राधा नाम का जाप कर सकते हैं, और राधा नाम का जाप करने से ही आपको फिर मंत्र दीक्षा, शरणागति दीक्षा आदि प्राप्त होगी। एक तरह से आप राधा नाम जपते रहेंगे तो आपका बेस बन जाएगा, आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपकी मलिनता जाती रहेगी, आपकी वृत्तियां सुधरती रहेंगी, और ऐसी परिस्थिति में जब सतपात्र बन के आप दीक्षा लेंगे, हालांकि दीक्षा आजकल ऐसे भी दे दी जाती है, अपात्र को पात्र, सतपात्र को दे दी जाती है, इसमें दोनों ही विचार हैं कि ये नहीं देनी चाहिए, पहले पात्रता आनी चाहिए, और एक विचार ये भी है कि दीक्षा में इतनी शक्ति होती है कि वो पात्र कुपात्र, सत्पात्र अपात्र सबको सुधार देती है। दोनों मत हैं, कोई हानि नहीं है, जो भी जैसे लेते हैं या देते हैं ठीक है, लेकिन आप यदि राधा नाम लेते हैं बेधड़क लीजिए, बस जो तुलसी माला लें, तुलसी माला को ठाकुर जी के या प्रिया जी के हृदय से लगा के, उस पर ठाकुर जी प्रिया जी का प्रसादी चंदन लगा के, उससे पहले उसको गंगा जल या शुद्ध जल से धो लीजिए, फिर चंदन लगा लीजिए, फिर ठाकुर जी के हृदय से छुपा दीजिए, छुपा के, और उनसे प्रार्थना करिए, और जब तक गुरुदेव आपको प्राप्त नहीं होते हैं, यदि किसी संत में आपकी श्रद्धा है तो उन संत के चित्रपट से छुपा दीजिए, अन्यथा तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। जब तक हमें इस लोक में लौकिक गुरु प्राप्त नहीं होते तो हमारे गुरु श्री कृष्ण ही है। कृष्ण को गुरु मान के उनसे प्रार्थना करिए कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं अब राधा नाम प्रारंभ कर रहा हूँ, आप मेरी वृत्तियों को शुद्ध कीजिए, आप मेरे चित्त को, अंतःकरण को निर्मल कीजिए, जिससे मैं आपका नाम जपूं और दीक्षा की योग्यता प्राप्त करूं, और अपने इसी जीवन में आपके चरणों का प्रेम और भगवत प्राप्ति कर सकूं। ऐसी प्रार्थना के साथ आप राधा नाम ले सकते हैं। जय श्री राधे, जय निताई। ओ,